भाई रात के 1:15 एडिटिंग का काम खत्म करके अभी सोने की तैयारी कर रहा था, पर ये व्लॉग स्टार्ट करना पड़ गया भाई। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रीजन बताता हूँ अभी क्यों कर रहे हैं अभी रात के इस टाइम पे व्लॉग स्टार्ट। ये देखो उखड़ने को हो रहा है पेड़। तोते यहाँ तो नहीं है, तोते ही आ गए भाई, दिल्ली में आ गए तोते। ऐसे मौसम का भी अपना ही मजा है यार। अच्छा है सोया नहीं था। अरे वाह भाई, दिल्ली में रह के हिल स्टेशन का मजा आ रहा है आजकल। तो 2 दिन से कभी बारिश, कभी तूफान, कभी कुछ, कभी कुछ। और हाँ, कुछ भी कहो भाई, मई के महीने में से आ रखे बारिश भी शुरू हो गई, हल्की हल्की बारिश भी आनी स्टार्ट हो गई भाई। चलो अंदर चलते हैं यार, बहुत ले लिए मज़े, आपको भी दिखा दिए, सुबह बात करेंगे। चलो गुड नाइट। नमस्कार दोस्तों, आज है 22 मई और आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं आज अपना एक छोटा सा काम है, परसों के लोग में आपने देखा होगा। बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई, कई दिनों के बाद काम पे जा रहा हूँ। लड़के तो सुबह सुबह भेज दिए थे मैंने, पर अभी मैं जा रहा हूँ, देखते हैं कितना कर लिया है कितना नहीं। जो भी नए दोस्त आज हमसे जुड़े हैं, प्लीज अभी के अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के काम पे। ये लगा रहे हैं लड़के टेंट, देख रहे हो अभी तो शुरू ही हुआ है, धीरे धीरे पूरा करेंगे शाम तक। है छोटा सा काम पर आलसी पूरे हैं, धीरे धीरे ही करेंगे भाई। ये दोनों है मेरे चैंपियन, दोनों मेरे चहेते, ये कमल ये अशोक, बिहारी बाबू। अरे आया तीसरा बंटी भंडारी। अरे बंटी हाय कर दे। हाय। हाँ और भाई अच्छे से काम कर लो। ये वाला पर्दा है, इसको चेंज कर लेना, ये वाला, ये सेंटर में करना है। तो पूरा गुब्बा गुब्बा लगा के अपना अच्छे से कर दो। ये भाई है यार जिनकी बहन की शादी है आज। हेलो। बस यार बहुत अच्छा सा बड़ा सा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था पहले, पर अब मजबूरी है लॉकडाउन के चलते, सो अब छोटे से उसमें कर रहे हैं 20 लोगों की गैदरिंग। ये सामने मंडप लगा, यहाँ पे फेरे होने की तैयारी है, शाम तक पूरा सेटअप हो जाएगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कैसे क्या लगता है। भाई आज बहुत दिनों के बाद बाहर निकले हैं, तो चलता हूँ अपने एक दो दोस्तों से भी मिल लेता हूँ। बहुत दिन हो गए, पहले मेरे कोरोना हो गया था, बाद में उसको भी कोरोना हो गया। दोस्त है अपना DJ राणा, पंडित जी बोलते हैं प्यार से, धर्म कर्म के काम में कुछ ज़्यादा ही लगा रहता है। ये देखो भाई रोड के हालात, क्या बात है भाई, पूरा खींचक। चलो भाई कैमरे को संभालता हूँ, नहीं तो गिर जाएंगे पक्का। भाई ये अपना दोस्त पंडित जी राणा DJ, भाई एक नंबर का संत आदमी है, जब देखो पूजा पाठ में ही लगा रहता है। और हम पापी टिक्का लगा रहे, आज ना करी तूने पूजा? क्यों आज ना करी? आज तो नहाया नहीं, बिना नहाए धोए आ गया। हाँ बहुत दिन हो गए थे भाई मिले नहीं थे, मैं चल भाई आ जा, अभी जा रहे हैं गोदाम पे। आज कई दिनों के बाद दोबारा काम शुरू करने की तैयारी हुई है, दिखाता हूँ आप लोगों को गोदाम में कैसे चल रहा है काम। चलो चलते हैं। ये आज भाई हल्का फुल्का काम शुरू कर रहे हैं, देख सकते हो आप। क्या है? पवन। पवन सारा दिन हलवाई गिरी करता रहेगा, मिठाई बनाएगा, अभी चल रहा है पूजा करने। किसकी पूजा कर रहा है तू? माता रानी की। माता रानी की पूजा करता है भाई। भाई आप देख सकते हैं आज अपने गोदाम में आया हूँ, ये चाशनी पकने लग रही है। किसके लिए बता दे? लड्डूओं के लिए। लड्डू बन रहा है भाई, जिसको खाने है लाइक कर देना, बता देना, घर भिजवा दूंगा। ये देखो बर्फी कटते हुए। अब बता दे भाई तेरी ले ली, अब बोल क्या कहना चाह रहे।
भाई के लिए बोला, बोल रहे लाइक करो सब्सक्राइब करो, लाइक करो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, हाँ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ये आज समोसे बनाए हैं, पर भाई ध्यान रखना टेक अवे है बस, यहाँ पे खाने का आज कुछ नहीं है, सिर्फ पैक होके जाना है, जिसको भी चाहिए उसको सिर्फ पैक करके दे रहे हैं हम, तो कोई ये नहीं कहना कि लॉकडाउन में भाई हम खिला रहे हैं सबको खुले, हम खुले हम नहीं खिला रहे भाई, टेक अवे है। ये लड्डू बनने लग रहे हैं, लड्डू की बूंदी, पूरे डब्बे पैकिंग का सामान देखो, देख लो समोसे ही समोसे बना रखे हैं, समोसे और कुछ मिठाइयाँ, क्योंकि यही लोगों में लॉकडाउन में समोसे खाने मुश्किल हो रहे हैं लोगों को, तो हम घर में बैठे उनको खिला रहे हैं। एक मेरा दोस्त और है, आएगा तो मिलाऊंगा आपसे, अभी तो सो के ही नहीं आया वो गोडाउन पे, मैं सोचा था आज मिल जाएंगे सारे के सारे, मैं खुद आज करीबन भाई 2 महीने हो गए होंगे, डेढ़ महीने बाद मैं खुद 1.5 महीने बाद गोदाम से आया हूँ आज, क्यों काम तो कुछ चल नहीं रहे थे, लड़के भी खाली बैठे थे, आज काम शुरू किया है, धीरे धीरे दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं बैक टू बेसिक, पर अभी सिर्फ टेक अवे स्टार्ट किया है, जल्दी लॉकडाउन खुल जाएगा तो फुल फ्लैज में दोबारा स्टार्ट करेंगे, तब दिखाएंगे आपसे कैसे काम चलता है कैसे होता है। चलो बाय कर दो किसी करके, चलिए किसी करके बाय तो कर दो, बोला बाबा कल आ जाऊंगा मैं जल्दी से आज। चेरी मायरा दीदी आपको लेने आई है, थैंक यू तो बोल देते भाई। पूरे 1.5 साल बाद पहली बार नाइट स्टेप के लिए जा रहा हूँ अपने ससुराल, ये भी गालियां ही देते रहते, बोला कभी नहीं रुकता कभी नहीं रुकता, आज रुक रहा हूँ मैं और सबके सामने कंफर्म कर रहा हूँ कि आज नाइट स्टे कर रहा हूँ उधर। भाई की चांद वाली बात नहीं यार, वैसे ही मिल लिया करते थे, नाइट स्टे की तो कोई बात ही नहीं है। नहीं एक्चुअली मैं यार भैया गूगल में है तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी आज, थोड़ा सिस्टम के बारे में सीख लूँगा, ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो अपने चैनल की ग्रोथ के लिए भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, तो भाई से थोड़ा सा सीखने के लिए जा रहा हूँ। ये भाई भाई को घर के लिए कुछ पौधे लेने थे तो इसलिए नर्सरी आए, देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं, ये तो काफी बड़ी है यार। ये कौन सा पेड़ तो ये कमरे के अंदर बिना धूप के भी होता है, इसको धूप नहीं चाहिए, और ये कितना बड़ा हो जाता है, बड़ा नहीं होता, भरते रहेगा फूल बस, मतलब वही नीचे नीचे ही छोड़ा होगा ना, तो ड्राइंग रूम के लिए लगा सकते हैं ना, अच्छा लग रहा है, एक निकाल दो जो बड़ा सा हो अच्छा सा, जो जिंदा रहे ज्यादा। तो पानी देखो, पानी अगर नहीं दोगे तब तक चलेगा, यहाँ पानी दिए गल गया, ये देखो हमसे पानी इसमें ज़्यादा हो गया, मुझसे इशारा पानी मारता हूँ ना, पानी कट गया गल गया, पानी नहीं देने बिना, तो बिना पानी ये खाता क्या, इसमें खाद क्या डाले कुछ नहीं, महीने में कभी आपको लगे तो इसका फूल खाली पर धीरे घंटे रहते ना, हल्का स्प्रे से फूल धुल दो बस। अच्छा इसकी लाइफ कितनी है वैसे? सर लाइफ इसकी अच्छी होती है, चल गया लाइफ बहुत अच्छी होती है। क्या नाम बताया था इसका? मीनू कैटस। मीनू कैटस। ये 2 पौधे हमने ले लिए हैं। आ जाओ। हाँ भाई तू भी आ जा, और कुछ रह गया हो तो वो भी ले लो। तो नमस्ते। तो आप देख सकते हैं अपनी ससुराल आया हूँ, तो आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, जिस जिसको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, बाय कल मिलते हैं।